वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश सब 99। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं यूपी बोर्ड के क्लास 10 का रीडर इंग्लिश सब्जेक्ट का रीडर सेक्शन में सप्लीमेंट्री रीडर, और वो चैप्टर का नाम है द इन्वेंटर। इन्वेंटर का मीन्स होता है आविष्कारक, हु जो केप्ट हिज प्रॉमिस, जो अपने वादे को पूरा किया। थॉमस एल्वा एडिसन, इसमें थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में बताया गया है, जो एक अमेरिका के महान वैज्ञानिक और आविष्कारक थे, जिन्होंने बल्ब की खोज करके दुनिया को उजाला से भर दिया। चलिए उनकी कहानी को हम टेस्ट के माध्यम से समझते हैं। अबाउट दी आथर, अबाउट का मीन्स बारे में, दी आथर मतलब लेखक, लेखक के बारे में। थॉमस एल्वा एडिसन वॉज बॉर्न इन 1847। थॉमस एल्वा एडिसन का जन्म 1847 को हुआ था। ही वॉज एन अमेरिकी साइंटिस्ट एंड इन्वेंटर, वह एक अमेरिकी वैज्ञानिक और आविष्कारक थे। साइंटिस्ट मतलब वैज्ञानिक होता है, इन्वेंटर मतलब आविष्कारक। ही मेड मोर देन 1000 इन्वेंशंस, वह 1000 से ज़्यादा आविष्कार किए। इन्वेंशंस का मतलब होता है आविष्कार, मतलब वह चीज़ जो दुनिया में ना हो उसको देना ही, उसी को आविष्कार बोला जाता है। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट वर सिली, सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट, उनके कुछ प्रयोग, एक्सपेरिमेंट का मीन्स प्रयोग, उनके कुछ प्रयोग वर सिली, सिली का मीन्स मूर्खतापूर्ण होते थे। इन हिज चाइल्डहुड, बचपन में, बचपन में उनके कुछ प्रयोग कैसे होते थे, मूर्खतापूर्ण होते थे। हिज ग्रेटेस्ट इन्वेंशंस वर ग्रामोफोन एंड इलेक्ट्रिक लाइट, हिज उनका सबसे महान आविष्कार ग्रामोफोन था और विद्युत प्रकाश था, या विद्युत लाइट था, या विद्युत बल्ब भी बोल सकते हैं। अबाउट द लेसन, अबाउट का मीन्स बारे में, द लेसन मतलब पाठ। अब यहाँ पर हम पाठ के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि पाठ के बारे में क्या है, यहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। दिस लेसन टेल्स यू, यह पाठ आपको बताता है अबाउट द लाइफ एंड वर्क। लाइफ का मीन्स कार्य, जीवन के बारे में, एंड वर्क मतलब कार्य के बारे में, ऑफ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, सबसे महान वैज्ञानिक। यह पाठ आपको एक महान वैज्ञानिक के और उनके जीवन और कार्य के बारे में क्या करता है, बताता है। द वर्ल्ड हैज एवर सीन, जो संसार कभी देखा है, मतलब जिसको संसार ने क्या किया है, कभी देखा है। थॉमस एल्वा एडिसन वाज बार इन 1847 इन मिलन, यूएसए, यूएसए का मतलब अमेरिका। थॉमस एल्वा एडिसन का जन्म अमेरिका के मिलन में 1847 में हुआ था। ही इज नोन एज द मैन ऑफ मेनी इन्वेंशंस, वह कई आविष्कार के व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे, मतलब ऐसे व्यक्ति जो बहुत सारे आविष्कार किया हो। मेनी मतलब कई, इन्वेंशंस मतलब आविष्कार, मतलब ऐसा व्यक्ति जो कई आविष्कार के रूप में जाना जाता हो। वेन एवर यू स्विच ऑन द लाइट्स इन योर रूम, वेन एवर, जब कभी यू स्विच ऑन, चालू कर देते हैं द लाइट इन योर रूम, अपने कमरे के बल्ब को चालू कर देते हैं, आर टर्न ऑन द रिकॉर्ड प्लेयर, या रिकॉर्ड प्लेयर को आप चालू कर देते हैं, टर्न ऑन का मीन्स होता है चालू कर। यू रिकनाइज द जीनियस ऑफ थॉमस एडिसन, यू मतलब आप, रिकनाइज मतलब पहचान करते हैं, जीनियस मतलब बुद्धिमान थॉमस एडिसन, आप बुद्धिमान थॉमस एडिसन का पहचान करते हैं। He was man of great determination, वह एक दृढ़ संकल्प, महान दृढ़ संकल्प व्यक्ति थे। Determination का मीन दृढ़ संकल्प, वह एक महान दृढ़ संकल्प व्यक्ति थे। He always reached for the sky, वह हमेशा ऊंचाइयों तक पहुँचे, मतलब यहाँ इसका मतलब आकाश तक पहुँचने से मतलब ये है ऊंचाइयों तक, reach मतलब पहुँचे, वह हमेशा ऊंचाइयों तक पहुँचे थे। He gave his best, उन्होंने सबसे अपना अच्छा दिया, मतलब जितना दे सकते थे देश के लिए उतना दिया। One day, एक दिन he made a promise to give electric light to this world, एक दिन वह इस संसार को विद्युत प्रकाश देने का वादा किए। On 4 सितंबर 1882 को he fulfilled his promise, 4 सितंबर 1882 को वह अपने वादे को, प्रॉमिस मतलब वादे को क्या कर दिए, पूरा कर दिए। इट इज सेड, यह कहा जाता है दैट कि ऑन दैट डे, इस दिन 900 हाउसेस इन न्यूयॉर्क ब्रस्ट इनटू ब्राइट लाइट, ब्रस्ट का मीन्स होता है फटना, यहाँ चमकने से मतलब है, जगमगाने से मतलब है, इनटू ब्राइट लाइट, चमकीले प्रकाश में।
यह कहा जाता है कि उस दिन न्यूयॉर्क शहर में 900 घर विद्युत के प्रकाश से क्या हो गए, जगमग हो गए। ही वॉज ऑनर्ड, वह सम्मानित, उनको सम्मानित किया गया बाई द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा ऑन अक्टूबर 21 अक्टूबर 1929 को, मतलब उनको 21 अक्टूबर 1929 को अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया गया, सम्मानित किया गया। आए जैसे कि ही वॉज वोटेड बाई पीपल ऑफ अमेरिका, जैसे कि अमेरिका के लोगों के द्वारा उनका मत दिया गया, मतलब उनको सपोर्ट किया गया एक प्रकार से। आज द ग्रेटेस्ट लिविंग अमेरिकन, सबसे महान अमेरिकी के रूप में, मतलब अमेरिका के सबसे महान, जैसे हम लोगों को यहाँ वोट देकर किसी को चुना जाता है वैसे ही, मतलब वहाँ पर भी उनको महान, एक महान व्यक्ति के रूप में लोगों के द्वारा चुना गया कि मतलब इनको सबसे महान माना जाए। वेन यू, अब हमारा टेस्ट, मेन टेस्ट यहाँ से स्टार्ट होता है, मतलब वह टेस्ट जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। When you want to read at night, when, जब you want, आप चाहते हैं read, पढ़ना at night, जब आप रात में पढ़ना चाहते हैं, you simply press, आप साधारण तरीके से दबा देते हैं स्विच बटन को, आप साधारण तरीके से या सरल तरीके से बटन को दबा देते हैं, and और the electric lamp, विद्युत बल्ब gives you light, आपको प्रकाश देता है। Do you know, क्या आप जानते हैं who invented the electric lamp, इन्वेंटेड मतलब आविष्कार किया, क्या आप जानते हैं कि कौन विद्युत बल्ब का आविष्कार किया। ही वॉज एन अमेरिकन, वह एक अमेरिकी वासी थे, नेम्ड थॉमस एल्वा एडिसन, उनका नाम क्या था, थॉमस एल्वा एडिसन। इवन इन द चाइल्डहुड, यहाँ तक कि बचपन से ही एडिसन लव्ड, एडिसन को प्रेम था टू डू एक्सपेरिमेंट, प्रयोगों करना, मतलब बच्चे यहाँ तक कि बचपन से ही एडिशन को प्रयोग करने से क्या, प्रयोग करना क्या लगता था, प्रेम था, प्रयोगों से प्रेम था। ही वॉज फाउंड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, वह प्रश्न पूछने के शौकीन थे, मतलब हमेशा प्रश्न पूछते रहते थे। एंड और ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड टिल ही गॉट द राइट आंसर, ही नेवर, नेवर मतलब कभी नहीं, सेटिस्फाई मतलब संतुष्ट, वह तब तक संतुष्ट नहीं होते थे टिल ही गॉट द राइट आंसर, जब तक वह सही उत्तर नहीं प्राप्त कर लेते, मतलब जब तक उनको सही उत्तर नहीं मिलता था तो वो संतुष्ट नहीं होते। देयर आर मेनी स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड, उनके बचपन की बहुत कई कहानियाँ हैं। एंड और हेयर आर फ्यू ऑफ देम, और इनमें से यहाँ कुछ हैं, मतलब उनमें से यहाँ कुछ हैं। वन डे, एक दिन, वेन, जब यंग एडिसन, बच्चा एडिसन, यंग मतलब युवा होता है, लेकिन एडिसन यहाँ 8 साल का है इसलिए हम बच्चा ही बोलेंगे। वन डे, एक दिन, वेन, जब यंग एडिसन, बच्चा एडिसन, वाज एट स्कूल, जब विद्यालय में था, द टीचर वाज टेलिंग, टेलिंग का मीन्स बता रही थी, अध्यापिका बता रही थी द चिल्ड्रन, बच्चों को अ स्टोरी, एक कहानी अबाउट द बर्ड, पक्षियों के बारे में, अध्यापिका बच्चों को चिड़ियों के बारे में क्या बता रही थी, कहानी बता रही थी या सुना रही थी। ही गॉट अप, वह खड़ा हुआ, गेट अप मतलब खड़ा होना होता है, इसका सेकेंड फॉर्म है गॉट अप, वह खड़ा हुआ। एंड आस्क्ड द टीचर, अध्यापिका से पूछा, मतलब यहाँ अध्यापिका लेडीज हैं, सुनना, तो कहने का मतलब ये है, इसलिए हम अध्यापिका बोल रहे हैं, यहाँ टीचर नहीं है, मतलब मैन नहीं है। मैडम वाई कांट मैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, मैडम वाई मतलब क्यों, मैन मतलब मनुष्य, फ्लाई लाइक अ बर्ड, पक्षियों की तरह क्यों नहीं उड़ सकता। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, मैन कभी कभी पुरुष और स्त्री दोनों के लिए आता है, तो यहाँ पर जो मैन आया है मतलब पुरुष स्त्री दोनों के लिए आया है। बिकॉज, क्योंकि, मतलब अध्यापिका उत्तर देती हैं, बिकॉज क्योंकि मैन हैज नो विंग्स, विंग का मीन्स होता है पंख, क्योंकि मनुष्य के पास पंख नहीं होते हैं। टीचर रिप्लाइड द टीचर, अध्यापिका ने उत्तर दिया। द यंग बॉय, बच्चा लड़का, द यंग बॉय, बच्चा लड़का, थाट फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए सोचा, थाट मतलब सोचा, मोमेंट मतलब क्षण या पल, बहुत शॉर्ट टाइम, बच्चा एक क्षण के लिए सोचा। एंड आस्क्ड हर अगेन, और पुनः पूछा, बट लेकिन काइट्स हैव नो विंग्स, लेकिन पतंगों के पास पंख नहीं होते हैं, वह पतंग जो हम लोग उड़ाते हैं। And still, तो भी we can fly them in the sky, तो भी हम उनको आकाश में क्या कर सकते हैं, उड़ा सकते हैं। All the other boys laughed, सभी दूसरे लड़के हंस दिए। And और
द टीचर अध्यापिका लास्ट हर पेशेंस, अपने धैर्य को खो दी। पेशेंस का मतलब धैर्य होता है और पेशेंट का मतलब रोगी होता है। अध्यापिका ने अपने धैर्य को खो दी। सी थाट, वह सोची, द बॉयज वाज स्टूपिड एंड नाटी, मतलब वह सोची कि यह बच्चा कैसा है, मूर्ख और शरारती है। स्टूपिड मीन्स मूर्ख होता है और नाटी मतलब शरारती। सी आस्ट हिज पेरेंट्स टू टेक हिम आउट ऑफ द स्कूल। सी आस्ट, वह कही हिज पेरेंट, उसके माता पिता से, टू टेक हिम आउट ऑफ द स्कूल, स्कूल से बाहर ले जाने, स्कूल से ले जाने के लिए उसके माता पिता से बोली। हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता, टूक हिम होम, उसको घर ले गए, बट लेकिन दे न्यू, वे जानते थे दैट कि ही वॉज नॉट ए स्टूपिड बॉय, वो एक मूर्ख लड़का नहीं है। मतलब उसके माता पिता जानते थे कि वो मूर्ख लड़का नहीं है। एडिसन वॉज जस्ट 8 ईयर्स ओल्ड व्हेन हिज हैपेंड, व्हेन, जब दिस हैपेंड, यह घटित हुआ था। एडिसन मात्र, जस्ट मतलब ठीक होता है, मात्र 8 साल के थे। यंग एडिसन, बच्चा एडिसन, फाउंड हिज इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर, बच्चा एडिसन अपनी माता को सबसे अच्छी अध्यापिका के रूप में पाया। बेस्ट टीचर मतलब सबसे अच्छी अध्यापिका, मतलब ये बच्चा एडिसन जब उसकी माता उसको ले आती है घर पर, तो क्या होता है, उसकी माता हर पल उसकी सहायता करती है, चाहे वो अच्छा पूछता है या फिर बुरा। उसकी यंग एडिसन, बच्चा एडिसन अपनी माता को सबसे अच्छी अध्यापिका के रूप में पाया। सी वाज पेशेंस एनफ, उनके पास पर्याप्त धैर्य था।